मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MIM के इम्तियाज जलील है, उनकी आज तिरंगा यात्रा है। वे कुछ ही समय में इस क्षेत्र में पहुंचने वाली है और साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस का भारी बंदोबस्त तैनात किया गया है। लगातार लोग आ रहे हैं और इस जगह पे लोगों को रुकाया जा रहा है। मैं लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि जिस तरीके से उनकी मांग थी और वे लगातार गिरफ्तारी को लेकर बात कर रहे थे, नीतीश राणे की, रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, तो लोग यहाँ पर देखिए आप फूलों से स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए इम्तियाज जलील का। लोगों के हाथ में फूल है, फूलों से स्वागत करने के लिए यहाँ पर। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? हम बॉम्बे जाएंगे यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोएब है। कहाँ से आए आप? मैं पुणे से आया हूँ। किस तरीके से इम्तियाज जलील साहब का स्वागत करेंगे? अभी यहाँ पे फूल हाथ में लेकर क्या कहेंगे? किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हो? किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे नबी के जो गुस्ताखी किए उसको सजा देने के लिए। और जब तक मैं उसको सजा नहीं दूंगा या सरकार से सजा नहीं दिलाऊंगा, मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। आज मेरी उम्र 65 है, लेकिन आज भी मैं और रामगिरी महाराज को साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल आज भी मैं और रामगिरी महाराज और नीतीश राणे को ओपन चैलेंज करता हूँ। जो अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो आके मुझसे भिड़े, और नीतीश राणे कौन से मस्जिद में आता है बोले, मैं वहाँ पर जाकर पहुँचूंगा और उसने मस्जिद में घुस कर मुझे मार के टिकाना, तब मैं समझूंगा वो नारायण राणे की औलाद है, वरना मैं समझूंगा कि वो गलत औलाद है। गलत तरीके से पैदा हुए है दोनों भाई है, जो इस देश के अंदर महाराष्ट्र के अंदर वो लोगों के अंदर ना इत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को देश में रहने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र तो नहीं, पूरे देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस देश में तनाव फैलाएगा उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। हा? जो इस देश में तनाव फैलाएगा उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अधिकार नहीं, चाहे कोई भी समाज का हो। ये देश संविधान पे चलता है और हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई संविधान को हटके अगर बात करता है तो हम उसको रत्ती भर भी बर्दाश्त करने वाले नहीं। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश राणे हो, रामगिरी महाराज हो, वो बयान देते हैं तो उनपे इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती। वही मुफ्ती सलमान अजहरी होते हैं, उनके बयान पे कार्रवाई होती है। आप किसे किस तरीके से देखते हैं? हमको तो दोनों को फांसी चाहिए, सरकार ने दोनों को फांसी देना चाहिए, ताकि दूसरे ने किसी ने इस तरह के अल्फाज वापरने चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ। आज कभी आपने देखा या कई न्यूज में सुना कोई मुस्लिम समाज के नेता ने बोलो या कोई मौलाना ने बोलो या कोई आलिम ने बोलो उठकर कोई अदर समाज के खिलाफ बोला है, सुना आपने? फिर ये देश में हमारे समाज के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? इनको क्या राइट से? जब हम किसी के समाज के खिलाफ नहीं बोल सकते तो इनको राइट से क्या? फिर ये किस किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? ये क्या चाहते हैं देश के अंदर? इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ जो नया परपोंडा सामने खड़ा कर देते हैं। एक चीज मुझे ये बताइएगा, जो इस राज्य के गृह मंत्री है फडणवीस, वो मस्जिद धरावी मस्जिद को लेके बोलते हैं कि मस्जिद का जो इलीगल स्ट्रक्चर पार्ट है उसे तोड़ा जाएगा, वही दूसरी तरफ वो जो इस राज्य के कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बराबर है, तो मैं देवेंद्र फडणवीस से ही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुझमें हिम्मत है तो पुणे में आ और मुझसे मुलाकात कर, मैं बताता हूँ कितने इनलीगल मंदिर रस्तों के बीच में बने हुए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मस्जिद है जबकि हमारी मिल्कियत है, हमारी प्रॉपर्टी है, और हम उसको बाकायदा प्लान पास करके बनाते हैं। हम उसको बाकायदा गवर्नमेंट से, सरकार से प्लान पास करके, सरकार की अनुमति लेकर बनाते हैं। फिर उसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई आप लोग करेंगे? हा? जो 50 साल 100 साल पहले ही मस्जिद बनी है और आज तुम उसका मुद्दा ढूंढ के लाएंगे, ये कहाँ का न्याय? ये कौन से संविधान में है जरा बताए तो फडणवीस ने मुझे, संविधान क्या है? क्या जलील की तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से इम्तियाज जलील यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील से भी आप फोटो में देख सकते हैं, इम्तियाज जलील जो इस क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। तो इम्तियाज भाई क्या कहें? Yeah.
इम्तियाज जलील और इम्तियाज जलील के साथ साथ वारिस पठान भी यहाँ पर मौजूद है। जिन लोगों को साथ में से मना कर रहे हैं जो ऊपर चढ़े हुए लोग हैं, तो यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं नीतीश रहने का बात आया। देख सकते हैं हजारों के लोग, हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं और इम्तियाज जलील जो है अभी पहुंच चुके हैं थाने और यहीं से अब मुंबई में एंट्री करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कुछ फैसला लिया। तो जो वारिस पठान है उनके साथ में इम्तियाज जलील है मौजूद है यहाँ पर। तो इम्तियाज जलील से बात करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि ज्यादा क्राउड होने के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है, तो कैमरा मैन देख सकते हैं आप किस तरीके तस्वीर में दिखा रहे हैं क्या चल रहे हैं। बात करेंगे, स्पीच देंगे।
बात की जाएगी, ऐसे ही कहना है। वो लगातार निवेदन देने हमको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हम आए हैं गुस्ताख रसूल रामगिरी के खिलाफ ये बोलने के, उसने अपने अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों का हट पहुँचाइए, उसको गिरफ्तार किया जाए। और संविधान हम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं सरकार को कि देश संविधान से चलेगा, अपनी मन मर्जी से नहीं चलेगा। यही हम पैगाम देना है अमन और शांति का। हम चाहते हैं जो इस तरह के भड़काव बयान भड़काव भाषण देते हैं उनको सरकार हिरासत में ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे नहीं लगता आजाद मैदान तक जाने देगा, क्योंकि रैली में 80 किलोमीटर तक लोग हैं। अब यही सरकार का बोलना है मुंबई तक जाना थोड़ा फिजिबिलिटी नहीं है, देखते क्या होता है। हमको तो जाना था मुंबई और मेमोरेंडम देना था, अगर शायद नहीं जाने मिलेगा लग रहा है। क्या देखने को मिलेगा, आप क्या बोलना चाह रहे हो पहले आप समझो सवाल को। अगला कदम और इससे भी ज्यादा तादाद में उतरेंगे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उतरेंगे, नॉन वायलेंस से संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे, एहतजाज चालू रहेगा। तो वारिस पर ने साफ तौर पर ये कि जो कहीं ना कहीं जो अगला कदम था आप सुन सकते हैं, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती अब तो अगला कदम इससे भी भयानक बताया जा रहा है, क्योंकि 80 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ तक आए हुए हैं, हजारों का लाखों का मजमा यहाँ पर मौजूद है, हजारों की तादाद में गाड़ियां आई हुई हैं। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे पूरी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग आए हुए हैं। अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से इनका अगला कदम क्या कुछ होता है। मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इम्तियाज जलील और वारिस पठान और साथ साथ में जो रईस लश्करिया है वो भी उसी गाड़ी पर मौजूद है।